नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय लोहार। आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूज डिक्शनरी में। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सिर्फ ये एक क्षेत्र की या एक गांव की अब ये बात नहीं है। इस गुड़िया का जो दर्द है पूरे देश में, इस गुड़िया का दर्द है वो भी सिर्फ एक बहुजन समाज में। अगर बात यहाँ पे एक दर्दत्या की होती है, बेटी के साथ दुर्व्यवहार की होती है। अभी हम बात कर रहे थे जो 2012 में जो केस हुआ था, जिसे निर्भया का नाम दिया गया था, वो भी एक बेटी थी। आज इस मासूम बच्ची के साथ जो हुआ है वो ना सिर्फ एक जातिवाद, एक बहुजन दलित गरीब की बेटी के साथ हुआ है। जब दलित और बहुजन की बेटी के साथ होता है, सिर्फ गिने चुने ही बहुजन समाज के लोग आवाज़ उठाते हैं। जब एक निर्भया के साथ, जो पांडे और मिश्रा करके जब बेटियों के साथ दरिंदगी होती है, तो इंडिया गेट पर कैंडल मार्च निकाले जाते हैं, रोड जाम किए जाते हैं, हर जगह उस चीज़ का खुल के प्रदर्शन किया जाता है। आज आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ बहुजन समाज इकट्ठा है। मैं आपके चैनल से बताना चाहूँगी, स्वाति मालीवाल बहुत बड़ी समाज सेवी बनती है, बॉबी कटारिया, हर्ष शिकारा, स्मृति ईरानी, काफ़ी बड़े लेवल के वो समाज सेवी बनते हैं, हितैषी बनते हैं। ये दिल्ली में है, हम सब दिल्ली में हैं, वो दिल्ली के रहने वाले लोग हैं। कहाँ पे हैं वो लोग, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। आप अपना कैमरा भीड़ में करके देख लो, शायद वो कहीं छिपे हुए हों, शायद हमें दिखाई ना दे रहे हों। तो दिल्ली के हितैषी और समाज सेवी से अनुरोध करना चाहूँगी कि आपकी दिल्ली की बेटी, ये हाथरस वाला कांड नहीं है कि सिर्फ एक बेटी के ऊपर स्टैंप लगा के, जाति का स्टैंप लगा के उसको छोड़ दिया जाता है। बात यहाँ पे बेटी की है। बेटी की ना कोई धर्म, मजहब और जात नहीं होती, बेटी सबकी बराबर होती है। बेटियों की सुरक्षा सिर्फ 9 दिन होती है। ये भारत देश ऐसा देश है जहाँ पे सिर्फ 9 दिन बेटियों को पूजा जाता है, फिर शेरावाली का शेर बेटियों के ऊपर छोड़ दिया जाता है दुर्व्यवहार करने के लिए। करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, सिर्फ हमें धर्म के आडंबरों में फंसा दिया जाता है। मैं आपके चैनल से ये मांग करना चाहूँगी, बहुजन समाज की बेटियों से, महिलाओं से, कि धर्म ग्रंथ के चक्रों में ना पढ़ के अपने बहुजन समाज की बेटियों को शिक्षित करें। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान की गरिमा को मानने वाले लोग हैं, संविधान के दायरे में रह के अपनी बात को रखते हैं। मैं बेटियों से कहना चाहूँगी, व्रतों से कुछ नहीं होगा। अभी पास ही में, हाल ही में, अभी अगस्त में एक त्यौहार आने वाला है जिसे रक्षाबंधन का नाम दिया जाता है। मैं बहुजन समाज के सभी भाइयों से अनुरोध करना चाहूँगी कि अपनी बहन बेटियों की रक्षा इन भेड़ियों से करो, दरिंदों से कैसे बचाया जा सके। अगर अपने अपने परिवार में बहु बेटियों को सुरक्षित रखना है तो अपने घर में संविधान को लागू करो और संविधान के जरिए अपनी बेटियों को उन्हें पढ़ाए, उन्हें शिक्षित करें, ना कि इन आडम्बरों में डालें।